मुरैना में भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने गई पुलिस व वन विभाग की टीम पर हमला कर रेत माफिया ने भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग कर 3 ट्रैक्टर ट्रालियों के टायर फोड़ दिए। गोली से टायर फटने के बाद ट्रैक्टर ट्राली लहराते हुए सड़क से खेतों में उतर गए। पुलिस ने 2 माफिया सहित 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया है, लेकिन पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। मुरैना पुलिस एक पखवाड़े से अवैध रेत से वाहनों की धरपकड़ में जुटी हुई है। सोमवार की सुबह 9 बजे के करीब पुलिस के साथ वन विभाग की टीम ने मिलकर कार्यवाही करते हुए इमलिया रोड पर चंबल नदी के रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रालियों की घेराबंदी की। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रेत माफिया ने पुलिस के वाहनों को टक्कर मारने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर ट्राली के पहियों पर फायर किए। गोली लगने से ट्रालियों के पहिए फट गए। इसके बाद लड़खड़ाते हुए ट्रैक्टर ट्राली सड़क से उतरकर खेतों में जा उतरे। असंतुलित होने के कारण एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गया, जिसका ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। लेकिन 2 ट्रैक्टर ट्राली के ड्राइवरों को पुलिस ने दबोच लिया, जिनकी पहचान मजबूत सिंह गुजर और मनोज सिंह गुजर के तौर पर हुई है। आरोपितों पर स्टेशन रोड थाने में खनिज चोरी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार फायरिंग की घटना नहीं हुई, लेकिन इमलिया गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 5 से 6 बार फायर होने की आवाज सुनी थी। इसके बाद कुछ ग्रामीण खेतों की ओर भागे भी, जहां से फायरिंग की आवाज आ रही थी। सड़क से उतरकर खेतों में पहुंचे ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त करने के लिए पुलिस को क्रेन मशीन बुलानी पड़ी। रोड थाना क्षेत्र में जो चंबल का रेत है वो लेकर के कुछ लोग परिवहन का कार्य करते हैं, उस पर आज दबिश दी गई थी। और उस दबिश के दौरान पे 3 ट्रैक्टर पुलिस के ने पकड़े हैं, उसमें 3 आरोपी हैं। 2 आरोपी पुलिस के पकड़ में आ गए हैं, एक भाग गया है। इसको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं और इन पे FIR की कार्रवाई हो रही है। सर, क्या पता चल पा रहा है कहाँ से ये ट्रैक्टर ढहकर आते हैं और कुछ फायरिंग भी की है? असल में ये ट्रैक्टर जो है ये चंबल से लेकर के आते हैं और ये अमीलिया और बड़ोखर के पास में जो है इकट्ठा होते हैं, उस पर कार्रवाई की गई है। और जहाँ तक बात है तो इसमें कार्रवाई की, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई प्लान तरीके से करनी होती है, क्योंकि यदि जब भी पुलिस या प्रशासन इस पे कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो ये इसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। कई बार जो है किसी का इसमें एक्सीडेंट में जो है डेथ भी हो चुकी है, तो इस चीज़ों का भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है। और उसी पर जो है 3 अभी आज ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर, फायरिंग भी की गई है? नहीं, अभी फायरिंग कैसी कोई सूचना नहीं है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।